क्या किया ना ताकि आपका दबाव बना सको? आपके सेवा सत्कार के बाद अब हमारी मांग है धोनी हो गई। तुम जैसे लाखों पैदा हुए हैं, तुम जैसे भी जगह रहने के लिए। बनाने वाले नरेन आज कैसे कर बैठे ये गलती, यूनियन के लीडर पर ही हाथ उठा डाला। अब भुगतिए ये गड़बड़ घोटाला। अब पूजा का साथ छूटा तो नरेन का मन भी टूटा। ना वर्कर्स की दिक्कतें समझ आई, ना गलती पकड़ में आई। नरेन तो आज यूजुअल अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, एंड जैसे जब तक बात बात चल रही है तब तक ठीक है गर्मा गर्मी में, बट जैसे वो अपने पाइप पर वो जब गोबर डालता है तब उससे रहा नहीं जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, लेकिन कैसा है कि उस निकलते वक्त पूजा ने उसे बताया था कि उनकी उनकी जो साइड है वो अच्छे से सुन के लेना, तो उससे बार बार वही चीज़ याद आ रही है। पूजा जो कह रही है वो जब वो सही होता है तो नरेन को बहुत गुस्सा आता है, और ये सब में उसका हाथ उठ जाता है और जो उनकी यूनिट की लीडर है उसे खींच के वो लाफा मारता है। जिस मीडिया के सामने नरेन अपनी इमेज बचा के चलते रहे, उसी मीडिया के सामने देखिए कैसे अपना आपा खो बैठे नरेन। और नरेन के इस बर्ताव से अब तो उसके पिता भी है नाराज। तभी तो नरेन की जगह राहुल को बता दिया कंपनी का एमडी। आज नरेन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। पूजा जानती है कि राहुल एमडी बन जाएगा तो वो पूरे व्यास मैंशन के पूरे व्यास इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। नरेन के साथ और पूरे घर के साथ, पूरी व्यास इंडस्ट्री के साथ गलत होता हुआ देख रही है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि वो एक धर्म संकट में फंसी हुई। देखा, बीवी से लड़कर भला कौन इंसान खुश रह पाया है? जो अब नरेन ही खुश रहेंगे? देखिए हो गई ना गड़बड़। घर में तो थू-थू हुई ही, प्रेस में भी मच गई हलचल। और उसके बाद तो डेफिनेटली जो क्रिटिसिज्म और जो नेगेटिविटी होने वाली है नरेन की, और वो तो हो ही रही है, बट नरेन इज ऑल कूल अबाउट इट कि हाँ ठीक है, एक ज़्यादा तो 100 आ जाएंगे, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। और ये आई एम वेरी श्योर कि नरेन को कभी ना कभी तो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कब ये गुत्थी सुलझेगी और कब पूजा नरेन को इस उलझन से निकालेगी।